हाय फ्रेंड्स, जीत रंगोली क्लास में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज एक फूल में शेड करना सीखेंगे। अब दो कलर के हिबिस्कस के फूल बनाएंगे और इसमें से सीखेंगे कि पत्ती में और फूल में अलग अलग शेड कैसा भरा जाता है। तो हमने टाइल्स पे जो क्रायन कलर है, क्रायन कलर से ड्रॉ कर लिए फूल को, फूल पत्ती को। हमारे पास कुछ कलर है, जैसे येलो कलर, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और ब्लैक। तो लाइट ग्रीन और येलो को मिला के थोड़ा सा और फीका किए, और लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन को मिला के थोड़ा बीच में और एक शेड बनाएं। अब इनको पत्ती में शेड भरना है, एक साइड में डार्क से लाइट और एक साइड में लाइट से डार्क। अब बनने के बाद जो कॉटन बर्ड होता है, कॉटन बर्ड से इनको आउटलाइन को फिनिशिंग करना है। कॉटन बर्ड से इनको शेप भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं पत्ती का, कॉटन बर्ड से। चलिए वो रिविजन करते हैं कैसा। जैसे यहाँ पर जो डायरेक्ट ग्रीन कलर लिए, ग्रीन कलर के बाद थोड़ा सा लाइट ग्रीन, उसके बाद जो लाइट ग्रीन और येलो मिला के जो कलर बनाए थे वो वाला, फिर बीच में से फिर लाइट से डार्क आना है। येलो थोड़ा लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, उनको थोड़ा सा मिक्स करते हुए आना, ब्लेंड करते हुए आना है। तो जब हम कलर प्लेट में कलर को मिक्स करते हैं तो वही पर शेड बना हुआ रहता है, सिर्फ अपने को वही पर वही से उठाना है और हमें जैसा शेड देना है उस प्रकार के शेड ऊपर बना सकते हैं। तो पत्ती में शेड भरने के लिए हमने ब्लैक कलर में थोड़ा सा रेड में थोड़ा सा ब्लैक मिला के थोड़ा डार्क किए, और रेड के साइड में थोड़ा सा गुलाबी है। अगर गुलाबी कलर नहीं है तो भी हम थोड़ा व्हाइट कलर उंगली मिला के हम थोड़ा सा पिंक कलर बना सकते हैं। तो नीचे की तरफ थोड़ा जो कत्था कलर है, जो ब्राउन कलर बना था वो कलर भरे, फिर जो लाइट रेड कलर था या पिंक कलर है उनके कुछ लाइनिंग खींचना बीच में, और ऊपर थोड़ा सा लाइट कलर का कुछ रेशा देना है आउटलाइन। इस प्रकार के हर पेटल में शेड करना है। जैसे एक साइड में थोड़ा सा हाईलाइट करने के थोड़ा सा वहां पर व्हाइट टच दिया ताकि थोड़ा सा वो उभर के दिखे। इस प्रकार के हर पेटल में लाइट से डार्क करते रहना है। जब भी हम ये ऐसा वर्क करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो कलर जब मर्ज है या कलर का ब्लेंड है वो थोड़ा सा प्रॉपरली हो। यहाँ पर भी लाइट से डार्क भरना कलर, और जो ये फ्रंट साइड का जो पेटल है इनमें ऊपर की तरफ लाइट करना और नीचे की तरफ डार्क करना। तो डार्क से लाइट की तरफ जाते हैं, पहले रेड भरे, उसके बाद थोड़ा सा पिंक, उसके बाद थोड़ा सा जो व्हाइट मिला के जो लाइट कलर बना था वो वाला, और फिर एकदम थोड़ा सा ज़्यादा लाइट। इस प्रकार के हिबिस्कस के फूल का टेक्चर बनता है शेड वाला, और जब भी हम शेड के काम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है ये। और बीच में से ये एक डिज़ाइन जो हिबिस्कस में रहता है वो लाइट कलर से देंगे, ठीक है। तो एक सुंदर से हमने एक हिबिस्कस के फूल बना लिया यहाँ पर रेड और पिंक कलर के साथ। दूसरे जो हिबिस्कस का शेड सीखेंगे यहाँ पर ऑरेंज और येलो के शेड से सीखेंगे। तो येलो और ऑरेंज को मिलाए, येलो कलर में थोड़ा सा और वाइट रंगोली मिलाए, फीका किए, तो ऊपर फीका से डार्क तक आना है। जो ऑरेंज कलर के साथ जो येलो कलर जो बनाए थे वो कलर, और जो नीचे की तरफ है ये थोड़ा ज़्यादा डार्क। जब ज़्यादा डार्क करना है इसका मतलब होता है जो ऑरेंज कलर है ऑरेंज कलर में थोड़ा सा रेड मिलाना है, तो ज़्यादा डार्क होगा, और उससे भी डार्क होना तो फिर थोड़ा सा ब्लैक यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर लाइट से डार्क, डार्क से लाइट कैसे भी हम शेड भर सकते हैं। यदि हमारे प्लेट में प्रॉपरली वो शेड बना हुआ है तो हम लाइट से भी डार्क बना सकते हैं और डार्क से भी लाइट बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब भी आप ये सब छोटे मोटा बनाते जाएंगे फूल पत्ती, तब हमें थोड़ा आइडिया आते जाएगा कि किस प्रकार ब्लेंड करना है, किस प्रकार कलर भरना है, किस प्रकार कलर को छोड़ना है वहाँ पर।
तो अब दो कलर का फूल दिखाना था, एक रेड की शेड और एक येलो के शेड। तो येलो के शेड दिखाने के लिए येलो के साथ में ऑरेंज कलर ऐड करना है। तो यहाँ पर ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन से बना है यहाँ पर शेड, और जहाँ पे भी हाईलाइट करना है वहाँ पर सफ़ेद रंगोली से उसको हाईलाइट करना है। और यहाँ के जो बीच का जो डिज़ाइन है वो भी जो लाइट कलर है वो लाइट कलर से देंगे। और जहाँ पे भी खाली खाली जगह है वहाँ पर जो कॉटन बर्ड है, कॉटन बर्ड से उनको फिनिशिंग करेंगे आउटलाइन को, तो हमारी जो रंगोली है वो दिखने में ज़्यादा इम्प्रेसिव और वो पेंटिंग में जैसा लगेगा। तो ये पेंटिंग के जैसा ही रंगोली लगता है। इसके लिए हमें शेड सीखना ज़रूरी है कि किस प्रकार के शेड बनाते हैं हम और किस प्रकार के शेड भरते हैं। तो ऊपर कुछ दो कली है, वो कली को भरना है यहाँ पर, उनको भी फिनिशिंग करना है। साइड में और कुछ छोटे छोटे फूल बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा पर्पल कलर का जो वायलेट कलर है, वायलेट कलर का थोड़ा सा शेड भरे और यहाँ पर कुछ वाइट डॉट के फूल बनाना है। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा के लाइक कर दीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिखाई दे सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने का जो बेल बटन आता है वो बेल बटन को दबा लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की रिक्वेस्ट के बहुत सारे रंगोली लाता हूँ कंपटीशन के लिए, खास करके शेड से जुड़े बहुत सारे टेक्निक आप लोगों के नए नए टेक्निक लाते हो आप लोगों के लिए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और एक सुंदर सा वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।